કાશ્મીરમાં આતંકીઓના ખાત્મા માટે મેદાને પડેલી ભારતીય સેનાના આક્રમણથી સ્તબ્ધ આતંકીઓ પોતાનું અસ્તિત્વ બચાવવા કરી શકે છે રાસાયણિક હથિયારોનો ઉપયોગ. રાસાયણિક હથિયારોથી આતંક ફેલાવવા પાકિસ્તાનની જુલમી સેના આતંકી સંગઠનોની મદદ કરી રહી હોવાની સેવાઈ રહી છે આશંકા. માનવતાના દુશ્મનો સાથે મળીને મોતની હોળી રમવાના પાકિસ્તાનના ષડયંત્ર પર પાણી ફેરવવા તૈયારી કરી રહ્યા છે NSG કમાન્ડો. શું છે પાકિસ્તાનનો ખતરનાક પ્લાન? જોઈશું અસ્મિતા વિશેષ કેમિકલ બોમ્બ. અસ્મિતા વિશેષમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ઝેનુલ તમારી સાથે. સીરિયા અને ઇરાકની જેમ કાશ્મીર ઘાટી બની શકે છે રાસાયણિક હુમલાની સાક્ષી. સરહદ પાર સાઝિશ ઘડાઈ રહી હોવાના મળી રહ્યા છે સંકેતો. શું પાકિસ્તાને આતંકીઓને આપી રાખ્યા છે રાસાયણિક હથિયાર? શું લોન વુલ્ફ અટેક પણ કરી શકે છે આ આતંકીઓ? જુઓ ખાસ અહેવાલ. શું ભારતને સીરિયા બનાવવાની ફિરાકમાં છે પાકિસ્તાન? શું ભારતમાં પણ થઈ શકે છે આવો રાસાયણિક હુમલો? શું ભારતમાં પણ લોન વુલ્ફ હુમલો થઈ શકે છે? શું પાકિસ્તાન આતંકવાદીઓના હાથમાં આપવા જઈ રહ્યું છે રાસાયણિક હથિયાર? વિશ્વ માટે રાસાયણિક હુમલાનો મતલબ સીરિયા છે, જ્યાં રાષ્ટ્રપતિ બશર અલ અસદે ગાદી બચાવવા પોતાની જનતા પર કરાવ્યો હતો રાસાયણિક હુમલો. આ હુમલો એટલો ભયાનક હતો કે અમેરિકા ભડકે ઉઠ્યો અને સીરિયાને મિસાઇલોથી પાઠ ભણાવ્યો. પરંતુ જો આપને લાગતું હોય કે અસ્મિતા વિશેષમાં આજે કેમ રાસાયણિક હુમલાની અમે વાત કરી રહ્યા છીએ, તો જુઓ તેનું કારણ છે આ દ્રશ્યો, જે NSGના 34મા સ્થાપના દિવસના છે. NSG કમાન્ડોના આ દ્રશ્યો એટલા માટે ખાસ છે કેમ કે આ કમાન્ડો રાસાયણિક હુમલા સામે લડવાની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. તો આ એ હથિયાર છે જેના સહારે ભારત રાસાયણિક હુમલાને ખાળવા કમર કસી ચૂક્યું છે. આ મશીન કેવી રીતે કામ કરે છે, કેટલા શક્તિશાળી છે અને કેવી રીતે રાસાયણિક હુમલા વખતે સુદર્શન ચક્રની ભૂમિકા ભજવી શકે છે, આ વાત સમજવા ABP અસ્મિતાના સંવાદદાતા નીરજ રાજપૂત ઘટના સ્થળ પર હાજર હતા.
ये सामने दरअसल जो टोटल कंटेनमेंट वेसल है, ये अगर कोई बॉम्ब मिलता है उसको एनर्जी किस तरह से डिफ्यूज करती है, कंटेन करके उसका एक्सप्लोजन करेगी ताकि कोई नुकसान ना हो। और ये जो बैग दिखाई दे रहा था, दरअसल इसमें ये केमिकल एक्सप्लोजिव था। और ये जो मशीन है, जो उपकरण है एनर्जी के पास, ये इस तरह से सक्षम है कि अगर इनसे कोई केमिकल या बायोलॉजिकल रेडिएशन भी होता है तो उसको भी ये कंटेन कर सकता है। परंतु देश सामे पड़कार फक्त रासायनिक हुमला सामे लड़वानो नथी। देशना गृहमंत्री राजनाथ सिंहना मते तो बीजो पण एक पड़कार छे जे समयनी साथे बनी रह्यो छे विकराल। डू इट योरसेल्फ अथवा लोन वोल्फ अटैक हमारे लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में समय की मांग को देखते हुए अपनी तैयारियों को उसी अनुरूप ढालना होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी एनएसजी उसी अनुरूप अपनी तैयारियों को ढालने के लिए सदैव वह कोशिश कर रही है। तो देश सामे बे मोटा पड़कार छे, पहलो रासायनिक हुमलानो पड़कार अने बीजो लोन वुल्फ अटैक नो खतरो। अत्यार सुधी आ बन्ने पड़कारो सामे लड़वामां भारत सफल रह्यो छे, परंतु तेना पर गृह मंत्री नु निवेदन आवो घणो महत्व धरावे छे। सौथी पहला वात रासायनिक हुमलानी करीशु, जेने लईने भारत पर खतरो मंडराई रह्यो छे। तेनो पुरावो छे आ मीडिया रिपोर्ट्स, जेमा एक ऑडियो क्लिपनो उल्लेख करीने कहेवायुं छे कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन भारत पर रासायनिक हुमलो करावी शके छे। ऑडियो क्लिप मां हिजबुल मुजाहिदीन नो एक आतंकी पाकिस्तान ना हैंडलर ने संगठन पासे रासायनिक हथियार होवानी जानकारी आपी रह्यो छे। हिजबुल नो आतंकी कहे छे के भारतीय सुरक्षा दलों ना 4-5 जवानों ने मारी ने के ग्रेनेड हुमला थी कशु नहीं थाय, भारत पर गंभीर घा करवो पड़शे, आ माटे केमिकल हथियारों नो उपयोग करवो जोईए। खास बात तो ए छे के हिजबुल मुजाहिदीन नो चीफ सैयद सलाउद्दीन भारत पर गंभीर प्रहार करवानी वात करतो आव्यो छे। आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी जाहिर थयेला सैयद सलाउद्दीन नी आ धमकी सांभळो, जेमां ते भारत पर गंभीर प्रहार करवानो दावो करी रह्यो छे। और जब पाकिस्तान मदद करेगा तो दो ताकतों के दरमियान एक जवरी जंग छिड़ने का कभी इम्कान है। मसले कश्मीरी की वजह से आज तक तो 3 जंगें हो चुकी हैं, चौथी जंग भी यकीन के साथ कहता हूँ, क्योंकि कश्मीरी बाहर सूरत कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है कम वट में। आतंकी सलाउद्दीन नी वात सांभळी ने बे सवाल थई रह्या छे। पहलो ए के शुं पाकिस्ताने आतंकवादियों ने रासायनिक हथियारों आपी दीधा छे, बीजो सवाल के पाकिस्तान नू नापाक षड्यंत्र शुं छे। दुनिया आखी जाने छे के वर्ष 2017 मां बलूचिस्तान मां बळवो दबावा माटे पाकिस्तान केमिकल हुमलो करावी चुक्यो छे। तेना पछी ज वर्ष 2017 मां हिजबुल मुजाहिदीन पासे केमिकल हथियारो होवाना अहेवालो सामे आव्या हता। रासायनिक हथियारोथी सज्ज आतंकी संगठन नी बात करिए तो तेमा छेल्लू नाम आईएसआईएस नू छे, जेणे वर्ष 2014-2016 वच्चे सीरिया अने इराकना युद्धमां 52 वखत रासायनिक हथियारोनो उपयोग कर्यो हतो, जेमा क्लोरीन अने सल्फर बस्टर गेसनो उपयोग पण सामेल छे। मार्च 2016 इराकना ताजामां सौथी मोटा रासायनिक हुमलाने अंजाम अपायो हतो, जेमा 600 लोको घायल थया हता। रासायनिक हथियारोना उपयोग छता आईएसआईएस पोतानुं साम्राज्य न तो बचावी शक्यो, परंतु इराकनी सेनाने मोटुं नुकसान पहोंचाडवामां सफळ रह्यो। सवाल ए छे के शुं रासायनिक हुमलो दुश्मन पर दमन माटेनुं सौथी मोटुं हथियार बनी चुक्यो छे। जवाब सांभळो। केमिकल अटैक अपने आप में एक बहुत ही हानिकारक अटैक हो जाएगा, और जिसको कहते हैं कि उसका जो आपने अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चित्र देखे हैं, केमिकल अटैक की बात होती है, गैस की बात होती है, ये जो होते हैं अपने आप में बहुत ही स्पेशली मस्टर्ड गैस और नर्व गैस, क्लोरीन गैस, ऑल दीज अटैक्स जो हैं
ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। जापान में भी एक आतंकवादी ने सीरीन का इस्तेमाल किया था। भारत की गुप्तचर एजेंसियों ने आशंका छे कि घाटी ना आतंकियों ISIS पासे थी प्रेरणा लई शके छे। आथी भारते मोटा खतरा सामे लड़वानी तैयारियों शुरू कर दीधी छे। दिल्ली नजीक मानेसरमा NSG ना 34वां स्थापना दिवस में ए तैयारी जोवा पण मळी। અહીં આવા જે ઘુમલાને ખાળવાની પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવે। સૌથી પહેલા સફેદ ગાડીમાં આતંકીઓ આવે છે। તેમની પાસે રાસાયણિક હથિયારો પણ હોય છે। તેઓ શ્રીહરિકોટામાં ઇસરો સ્પેસ સેન્ટર પર હુમલો કરે છે। આતંકવાદી સૌથી પહેલા અંતરિક્ષ વૈજ્ઞાનિકોને બંધક બનાવે છે। હુમલાની જાણ થતાં જ NSGના કમાન્ડોને લઈને પહોંચે છે વાયુસેનાનું હેલિકોપ્ટર, જે તરત જ આતંકીઓ સામે શરૂ કરે છે ઓપરેશન। આ ઓપરેશનમાં ડ્રોનનો પણ ઉપયોગ થાય છે, જે આતંકીઓનું લોકેશન બતાવવાની સાથે સાથે તેમના પર ગોળીઓથી હુમલો પણ કરે છે। જુઓ કેવી રીતે ગોળીઓ વરસાવી રહ્યું છે ડ્રોન। एनएसजी के कमांडोज ने हमने देखा था 26/11 के हमले के दौरान किस तरह से होटल में जाके उन्होंने कार्रवाई की थी, ताज होटल के अंदर, मंदिर के अंदर, अक्षरधाम में देखी था। और अब ये सामरिक बेस हैं, स्ट्रेटेजिक बेस हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये छोटा सा एक ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ये दरअसल एक ड्रोन है, UAV है ये, और ये इतना छोटा सा है, नैनो UAV है ये दरअसल। और ये पूरा जो है ये रिकॉर्डिंग करता है, जहाँ पर भी जाता है इसका, इसमें कैमरा लगा हुआ है। और ये जो उनके कमांडर्स हैं उनको ये दिशा निर्देश देता है कि कहाँ पर किस तरह से आतंकी छिपे हो सकते हैं, कहाँ पर बॉम्ब रखा है। आतंकियों ने ठार मार्या पछी तेमनी पासे थी NSG ने हाथ लागे छे एक संदिग्ध बैग। जुओ तेमाथी धुमाड़ो निकली रह्यो छे। आ बैग में रासायणिक हथियार छे। જો તે ફાટે તો તેમાંથી નીકળનારું રેડિયેશન આસપાસના લોકોને ઝપેટમાં લઈ શકે છે। આવી મુશ્કેલીમાં ખાસ પ્રકારના બે મશીનોની મદદ લેવામાં આવે છે। રાસાયણિક હુમલાથી બચવા બીજું હથિયાર આ રોબોટ છે, જેનું નામ છે કોબરા। જોતામાં જ બેગને ઉઠાવીને તે ટોટલ કન્ટેઇન વેસલમાં નાખી દે છે। वैसल है ये, अगर कोई बॉम्ब मिलता है उसको NSG किस तरह से डिफ्यूज करती है, कंटेन करके उसका एक्सप्लोजन करेगी ताकि कोई नुकसान ना हो। और ये जो बैग दिखाई दे रहा था, दरअसल इसमें ये केमिकल एक्सप्लोजिव था। और ये जो मशीन है, जो उपकरण है NSG के पास, ये इस तरह से सक्षम है कि अगर इनसे कोई केमिकल या बायोलॉजिकल रेडिएशन भी होता है तो उसको भी ये कंटेन कर सकता है, और उसकी जो रेडिएशन है बाहर निकल सकती। जो उसका ऑपरेटर है, देखेंगे खास तरह की उसने पोशाक पहनी हुई है, मास्क लगाया हुआ है। આ તૈયારીની જરૂરત એટલા માટે પણ વધારે છે કેમ કે ઘાટીમાં આતંકવાદીઓ અસ્તિત્વની લડાઈ લડી રહ્યા છે। આવામાં અકળાયેલા આતંકીઓ માનવતાને ખતરામાં મૂકનારા રાસાયણિક હથિયારોનો ઉપયોગ કરી શકે છે। તો પાકિસ્તાન નથી ઈચ્છતું કે ભારતમાં શાંતિ બની રહે। આતંકની ધરતીને ધગધગતી રાખીને પાકિસ્તાન કાશ્મીરમાં રેલાવા માંગે છે લોહીની હોળી। આ માટે તે લઈ શકે છે લોન વુલ્ફ અટેકનો પણ સહારો। આતંકવાદીઓ તરફથી કેમિકલ અટેકની જેમ લોન વુલ્ફ અટેકનો પણ પડકાર છે। લોન વુલ્ફ અટેક આખી દુનિયાને યાદ છે। લોન વુલ્ફ અટેકમાં કેવી રીતે સેંકડો લોકોને પોતાનો જીવ ગુમાવવો પડ્યો, ઘણા કિસ્સામાં તો આતંકીઓએ પોતાની જાતને ઉડાવી દીધી અથવા તો ફાયરિંગમાં મોતને ભેટ્યા। આ અમેરિકાના 9/11 હુમલા પછીના સૌથી મોટા આતંકી હુમલાના દ્રશ્યો છે, જેને અમેરિકાના લાસ વેગાસમાં અંજામ અપાયો હતો। એકમાત્ર આતંકીએ ગોળીબારમાં 58 લોકોને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા। હવે ફ્રાન્સના નીસ શહેરના હુમલાના દ્રશ્યો જુઓ, જે 14 જુલાઈ 2016 થયો હતો। ફ્રાન્સ તેનો આઝાદી દિવસ ઉજવી રહ્યું છે, જેથી હજારોની ભીડ એકઠી થઈ હતી। એક આતંકી ટ્રક લઈને ભીડમાં ઘૂસી ગયો અને 86 લોકોને મારી નાખ્યા। 12 જૂન 2016 દિવસે અમેરિકાનું ફ્લોરિડા પણ
लोन वुल्फ अटैक थी ध्रुजी गयो। ऑरलैंडोनी नाइट क्लब में आईएसआईएस थी प्रभावित आतंकीए अचानक बंदूक चलावानु शुरू कर्यो, जो जोता में 49 लोगों की लाशों ढाली दी थी। 3 जून 2017 आ दिवसे लंडन नो जाणीतो ब्रिज पर हुमला नो भोग बन्यो। आ लोन वुल्फ अटैक में 7 लोगों ना जीव गया। हवे जाणी लो लोन वुल्फ हुमलो शुं होय छे। आतंकी एकलो ज भीड़ ने निशान बनावे छे, कार छरा के कोई हथियार थी लोगों ने मारे छे। आवा हुमला माटे ट्रेनिंग नी जरूर नथी होती। आवो आतंकी कोई संगठन नो सभ्य पण होय शके अने न पण होय। बनी शके के सोशल मीडिया पर आतंक थी प्रभावित थईने हुमलो कर्यो होय। सोशल मीडिया पण दुनिया भर में आतंक पैदा करी रह्यो छे। जी हाँ, भारत माथी पण सोशल मीडिया पर आईएसआईएस थी प्रभावित थईने केटलाक युवानो इराक अने सीरिया पहुंची चुक्या छे। घणा लापता छे। कदाच एज कारण छे के गृहमंत्री लोन वुल्फ हुमला ने मोटो खतरो गणावी रह्या छे। डू इट योरसेल्फ अथवा लोन वुल्फ अटैक हमारे लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में समय की मांग को देखते हुए अपनी तैयारियों को उसी अनुरूप ढालना होगा, और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी एनएसजी उसी अनुरूप अपनी तैयारियों को ढालने के लिए सदैव कोशिश कर रही है। सवाल उठवो स्वाभाविक छे के भारत में अचानक आवा हुमलानो खतरो वधवानो कारण शू छे। शू आवो हुमलो रोकवानी जवाबदारी फक्त भारतना सुदर्शन चक्र गणाता एनएसजी पर ज छे। शू लोगों ने आ माटे तैयार न करवा जोईए? आ सवाल अमे निष्णांतों ने पूछो। ड्रोन वुल्फ अटैक के लिए इंटेलिजेंस की जैसे कहते हैं जागरूकता बहुत बहुत अनिवार्य है, और उनको पता होना चाहिए कि कौन क्या हो रहा है। जितनी तगड़ी आपकी इंटेलिजेंस होगी, इंफॉर्मेशन सर्विस होगी, उतना ही लोन वुल्फ अटैक को कंट्रोल किया जा सकेगा। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, खासकर आईएसआई में जो ट्रेनिंग दे रहे हैं आर्मी वाले, वो इस बात पे काफ़ी ध्यान रखेंगे कि अगर उन्होंने ऐसी कार्रवाई करी तो उनके ऊपर भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है और फिर उनको कोई बचा नहीं सकेगा। पर ये नहीं मैं कह सकता कि वो कर नहीं सकते, कर सकते हैं। केमिकल अटैक को रोकने के लिए एक बड़ा प्रोफेशनल अप्रोच चाहिए। केमिकल अटैक नॉर्मली गैसेस या कोई ऐसी रोगाणु देश में छोड़ करके किया जाता है। इसके लिए हमारी सेना ने तैयारी की हुई है, मगर फिर भी ये एक बहुत खतरनाक टाइप की युद्ध प्रणाली है जिसको रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। जानकारों माने छे के भारत में जेम जेम पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद नो सफायो थशे, तेम केमिकल अटैक अने लोन वुल्फ अटैक नो खतरो वधतो जशे। केम के इराक अने सीरियानी माफक पाकिस्तान पण आतंकवाद नी जड़ ने उखड़ती बचाववा मानवता ने खत्म करी शके तेवा हथियारों नो उपयोग पण करी शके छे। तमारी विशेष रजूआत में अत्यारे बस आटलू ज। आगळ तमाम खबरों पर रहेशे नजर। आप जोता रहो गुजरात नी नंबर 1 न्यूज चैनल एबीपी अस्मिता।